मैं यूज करती हूँ 5 ऑयल्स फॉर माय हेड मसाज। हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है मेरा जंपी डे। मैं करने वाली हूँ हेड मसाज और मैं यूज करती हूँ 5 ऑयल्स फॉर माय हेड मसाज। मैं आपको बताऊंगी आज वो कौन से 5 ऑयल्स है जो मैं यूज करती हूँ और मसाज करने का राइट वे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले है हमारे पास कोकोनट ऑयल। मैं 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालूंगी और उसके बाद आलमंड ऑयल भी 2 टेबलस्पून। मतलब आपको जरूरी नहीं है मेजर करके ही डालना है, आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से भी डाल सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। आप लोगों को आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स अच्छे से पता होंगे, बट कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर हेयर। इवन आपके आई लैश, यू नो, आप अपने आई लैश पे भी रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो 3 ऑयल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने थर्ड तेल के तरफ, जो है हमारे सबके घर में आसानी से मिलने वाला मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैंने लगाया है मेथी का तड़का। ये मेरी मम्मी का नुस्खा है, उन्होंने शायद अपनी मम्मी से सीखा है, तो मैं वो यूज करती हूँ। एंड द लास्ट ऑयल इज बैद्यनाथ का महाभृंगराज तेल। सो भृंगराज तेल आप लोगों ने सुना होगा, ये एक सैशे मिला था मुझे, सैंपल बहुत सारे मिले थे, तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक इट। इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जस्ट नॉट दिस इज फॉर हेयर, ये स्किन के लिए, यू नो, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, सर दर्द हो तब के लिए बहुत अच्छा ये ऑयल है। तो मैं इसको पूरा एक सैशे इसमें डालूंगी अपने मिक्स में। मैंने सारे ऑयल्स का मिक्स मिला लिया है, 2-2 स्पून। मैं यूजुअली अंदाजे से डालती हूँ, बट आप लोग को बताने के लिए 2-2 स्पून किया है। रिटैंगल जरूर करना ऑयलिंग से पहले, वरना क्या होगा, आपके बाल और टूटेंगे, क्योंकि ऑयल करते वक्त आपके बाल एक्चुअली में टूटते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बस अब क्या है, अब कुछ नहीं करना, सेक्शंस लेने हैं, मसाज करना है। बस मैंने सबसे पहले बीच में पोर किया है थोड़ा सा और इसको मसाज कर रही हूँ। कभी कभी मैं ऑयल चेंज कर देती हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ, और कभी कभी अनियन ऑयल मार्केट में आ रहा है वो डाल देती हूँ। सो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर हेयर नीड इज, बट यूजुअली अगर आप ये सारे तेल का मिक्स करके लगाओगे ना, तो मज़ा आ जाएगा, आपके बाल बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और ये जो भृंगराज ऑयल है ना, महाभृंगराज जो ऑयल था, उसमें डैंड्रफ भी आपका दूर करने में हेल्प करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आप इसको चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो, बट क्योंकि मेरा स्काल्प ऑयली है तो मैं ओवरनाइट तो नहीं, पर नहाने से मैं 1.5-2 घंटा पहले लगा लेती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। तेल को स्टोर भी कर सकते हो, तो ऐसा मत समझना कि अगर ये बच गया तो अरे यार वेस्ट हो गया। नो, वॉर्म योर हेयर एंड मसाज। जैसे आगे आपने के वैसे पीछे भी सेक्शंस ले ले, कैसे करना है आपको, तब बिल्कुल अपने फिंगर्स में ऑयल लें, ऐसे डिप करो और ये ऐसे, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, अपने हैंड को ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है, थंब को ऐसे मूव कर रही हूँ अपने, ऐसे ले जाकर ये देखो फिंगर्स के साथ। इससे क्या होगा, ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट होगा, स्काल्प में ऑब्जॉर्व करेगा और मज़ा तो अलग जो आएगा वो आएगा। आप खुद हेड मसाज करके मी टाइम इन्जॉय कर सकते हैं, एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी है जो आपको हेल्प कर सकता है हेड मसाज करने के लिए, प्लीज़ टेक देयर हेल्प। और मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे शर्मा जी, एंड आई विल कॉल हिम फॉर अ गुड हेड मसाज। शर्मा जी, रिलैक्स, एंजॉय ट्रीटमेंट फ्रॉम योर हस्बैंड। आपको ज़रूरत होगी हेड मसाज की, मैं जरूर दूँगी। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, अब मैं इसको 2 घंटे रखने का वॉश करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच माय लवली फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय।